Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अगर आपको इंसानी खोपड़ी में खाना और पानी दिया जाए तो क्या आप उसे ग्रहण करेंगे? जी नहीं, आप ऐसी बातें सोच भी नहीं सकते, पर कपालिक संप्रदाय के लोग इंसानी खोपड़ी में भी भोजन करते हैं और पानी पीते हैं। आज हम आपको कपालिक साधुओं के बारे में कुछ बेहद ही रोचक जानकारी बताने वाले हैं। आप जानते हैं, तंत्र शास्त्र में कपालिक संप्रदाय के लोग और शैव संप्रदाय के लोग मानव की खोपड़ियों के माध्यम से ही खाना ग्रहण करते हैं, इसीलिए उन्हें कपालिक कहा जाता है। प्राचीन काल में कपालिक साधना को विलास और वैभव का रूप मानकर कई सारे साधक इन संप्रदाय में शामिल हुए। ये एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर भोग के अलावा और कुछ भी नहीं, और अगर साफ शब्दों में बताएं तो कपालिक की चक्र साधना को भोग विलास और पिपासा शांत करने के लिए साधन बनाया गया है, इसीलिए इस मार्ग को लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कपालिक पंथ से ही शैव मार्ग प्रचलित हुआ। इस धर्म की सभी साधनाएं बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। इस पंथ के कपालिक चक्र के मुख्य साधक को भैरव और साधिका को त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। इस काम शक्ति के विभिन्न साधन में ऐसी साधना में असीम शक्तियां पाई जाती हैं। ऐसी साधना में सिर्फ फल की इच्छा से ही शारीरिक अवयवों को नियंत्रित किया जाता है, या यूं कहें तो किसी भी प्रकार का निर्माण और विनाश करने की बेजोड़ शक्ति इस मार्ग से ही पाई जाती है। क्या आपको पता भी है कि इस मार्ग में कपालिक अपनी भैरवी को पत्नी के रूप में स्वीकार करता है? कपालिक संप्रदाय के कुछ मठ आज भी पूर्व राज्यों में देखे जाते हैं। इन सभी में आपको भेद जानना है तो शिव पुराण और आगम पुराण के कुछ तांत्रिक संप्रदायों से भेद देखने को मिल जाएगा। कपालिकों के इष्टदेव की बात करें तो इष्टदेव में महाकाली, चांडाली, भैरव, शिव और त्रिपुरा सुंदरी जैसे देवी देवताओं की साधना की जाती है। सदियों पहले मंत्र की शक्ति से ही कपालिक साथियों की काम शक्ति को न्यून और द्विग किया जाता था, जिससे साधना अच्छे से पूरी हो सके। आज ऐसी कई सारी साधनाएं लुप्त हो चुकी हैं, या यूं कहें कि आज भी ऐसी साधनाएं आम इंसान से गुप्त और सुरक्षित रखी गई हैं। आज भी कई सारे तांत्रिक मठों में गुप्त रूप से कपालिक साधनाएं करते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.